हम दर बदर हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं। बेटे की नौकरी चली गई, बाप का कर्ज सर पे पड़ गया, हमारा क्या कसूर है? क्या समझूं, कर्ज उतारने के लिए दिल का सौदा कर दूं, अपनी जमीन पर बोझ डालूं? बात बोझ की नहीं, इज्जत की है भाई। अब्बू के लिए हम इतना तो कर सकते हैं, अब इसके लिए हमें अपने सीने पे पत्थर क्यों ना रखना पड़े। इज्जत का पास मुझे भी है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता मैं नीरव। भाई भाई मेरी बात सुने, कीमत चुकानी पड़ेगी भाई। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। ये घर पर आ जाते हैं इसीलिए तो होती है कि बुरे वक्त में काम आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्यों फर्क नहीं पड़ता? कैसे फर्क नहीं पड़ता? किराएदार हैं क्या हम? हिस्सा है हमारा, हमारी नाक के नीचे से ऊंट निकाल कर ले जाओगे हमें पता नहीं चलेगा? कहां से आए कागजात तुम्हारे पास, बोलो? अंदर के पास थे ना, चुराए हैं तुमने। छतीजान क्या हो गया है आपको, इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रही है मुझ पर? इल्जाम लगा रही, सबूत पेश कर रही हूं। तो खैर क्या हो गई, कौन सी नई आफत आन पड़ी, चुप क्यों खड़ी है? बोलो कहां से आई है कागजात तुम्हारे पास? ये मैंने दिया भाभी जान को घर बेचने के लिए भी मैंने कहा। आप भी इस मंसूबे में शरीक हो गए, बेवकूफ बना लिया आपको, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने पे राजी कर लिया। आपको क्या लगता है ये बैंक लोन का मतलब? ये हमसे हमारी जायदाद छीनना चाहते हैं। बुराई का पहाड़ बना रही है, हम में से कोई भी ये घर बेचना नहीं चाहता। बुराई का पहाड़ मैं बना रही हूँ, इतनी खामोशी से मंसूबा बंदी की है कि मुझे कानो कान खबर। तुम क्या चाहते हो, हम दर बदर हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं? बेटे की नौकरी चली गई, बाप का कर्ज सर पे पड़ गया, हमारा क्या कसूर है, हम क्यों भुगते? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।